आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि वो जल्द ही ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर सामने आएंगे जिन्होंने जानबूझकर लोन का पैसा नहीं चुकाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लोन के विवादों के मामले में कोर्ट के बाहर समझौते करने की तैयारी चल रही है। हालांकि राजन ने भी कहा कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना भूल गए हैं। राजन का मानना है कि ऐसा करने से तो लोग क्रेडिट कार्ड लेना बंद कर देंगे। तो विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम उजागर करने की तैयारी में है आरबीआई, सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर सामने आएंगे जिन्होंने जानबूझकर लोन का पैसा नहीं चुकाया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोन के विवादों के मामले में कोर्ट के बाहर समझौते की तैयारी चल रही है। हालांकि राजन ने कहा कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना भूल गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर से ओला कैब के ड्राइवर पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इस बार ये छेड़छाड़ विदेशी महिला से हुई है। घटना कल रात की है। बेल्जियम की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसने मोबाइल ऐप के जरिए गुड़गांव से दिल्ली केसीआर पार्क के लिए कैब बुक की थी। रास्ते में ड्राइवर ने उसे किस किया और छेड़छाड़ भी की। कार से उतरने के बाद उसने पुलिस से इस बात की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ओला कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसने आरोपी ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। तो एक बार फिर से कैब एग्रीगेटर जो है जैसे ओला और उबर, उस पर एक बार फिर से एक सवालिया निशान खड़े हो गए। और इस बार खबर आई है ओला कैब से जिसके ड्राइवर ने छेड़खानी की है। दरअसल दिल्ली पहुंचते समय गुड़गांव से महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है और ओला कंपनी ने कहा है कि उसने आरोपी ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। सोने की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। ऐसे में अक्षय तृतीया के मौके पर सोने में निवेश करना फायदेमंद होगा। जी बिजनेस के गोल्ड पोल में 67% जानकारों ने सोने में खरीदारी की राय दी है। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इस महीने के अंत में सोने का भाव फिर से 30,500 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। कुछ एक्सपर्ट सितंबर तक भाव 33,000 तक जाने की बात भी कर रहे हैं। इस साल सोने का भाव 20% से ज्यादा बढ़ा है। अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढ़ने, डॉलर में भारी गिरावट से सोने की कीमतों में तेजी आई है। कल अक्षय तृतीया है, ऐसे में शेयर मार्केट को भी इंतजार रहता है। अब खरीदारी का बेहतरीन मौका इस बार अक्षय तृतीया पे बताया जा रहा है और सोने में तेजी भी आई है। पिछले कुछ समय में अक्षय तृतीया में सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। दरअसल सोने में तेजी भी देखी गई है पिछले कुछ समय में। दरअसल डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी को सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स 15 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया था। अमेरिकी इकोनॉमी में भी नरमी के संकेत से सोने की कीमतें बढ़ी हैं। यूएस के कमजोर इकोनॉमिक आंकड़ों से दरें बढ़ने की उम्मीद घट गई है। साथ ही यूएस में अप्रैल में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स अनुमान से कम रहा है। यूरोजोन क्वार्टर वन जीडीपी ग्रोथ 0.6% रहा है। दुनिया भर में सोने के हाजिर मांग में इजाफा इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही यूएस में इस साल सिर्फ दो बार दरें बढ़ने की उम्मीद जताई गई। एसबीडीआर गोल्ड प्राइस दिसंबर 2013 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर। तोला इतिहास है, भारत का इतिहास है तोला। जब भी आप गोल्ड के बारे में जिक्र करते हैं तो सबसे पहले आपको तोला का जिक्र आता है। अक्षय तृतीया से ठीक पहले सरकारी एजेंसी एमएमटीसी पीएएमपी ने सोने का नया सिक्का लॉन्च किया है। तोला नाम का यह सिक्का 24 कैरेट का है और इसका वजन 11.6638 ग्राम है। सभी बड़े शहरों में इस सिक्के की बिक्री होगी। इससे पहले पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार सोने का सिक्का लॉन्च किया था। अशोक चक्र के चिन्ह वाला यह सिक्का देश का पहला सरकारी सिक्का है। अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में एमएमटीसी के सोने के सिक्के की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।